हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल मोटिवेटेड टू प्रिपेयर फॉर 2023 आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। आई एम गुलाब सा, योर मेंटोर, एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू अनदर सीरीज ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स बाय द नेम आरबीआई 247, वेयर बाय वी डिस्कस इम्पॉर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट finance related news. The first talks about the district central cooperative banks, the guidelines, the rules that RBI has laid down for them to be followed in order to open up any new places of business or any new branches or to set up any ATM machines. Apart from that, RBI has also cancelled the license of one of the cooperative bank by the name Ruby Cooperative Bank Limited. तो इन दो न्यूज को हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट न्यूज टॉक्स अबाउट, एज आई हैव मेंशन्ड, द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, द गाइडलाइंस दैट आरबीआई हैज इशूड फॉर देम। सो व्हाई हैज आरबीआई इशूड दीज गाइडलाइंस? सो आरबीआई ने इशू किया है सर्टन गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, सर्टन रूल्स दैट दे नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू ओपन अप एनी न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस। अब न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा बैंक के लिए? न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वांट्स टू सेट अप एनी न्यू ब्रांचेस और कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट है या कोई काउंटर है जो छोटा है और उसको एक फुल फ्लेज्ड ब्रांच में वो बनाना चाहते हैं, देन दे कैन डू सो। उसके अलावा कोई भी नए एटीएम मशीन्स आपको इंस्टॉल करने हैं, वो एटीएम मशीन या तो ऑन साइट हो सकता है या फिर ऑफ साइट। अब ऑन साइट का क्या मतलब होता है? ऑन साइट का मतलब, जैसे यहाँ पे एटीएम्स है, तो ऑन साइट का मतलब होता है, सपोज आप केशवपुरम में रह रहे हो दिल्ली में, केशवपुरम में एक बैंक है बाय द नेम ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। अब इस एरिया में ही अगर जहां बैंक है वहीं एटीएम होता है, दैट इज नोन एज ऑन साइट एटीएम्स। अगर केशवपुरम में बैंक है, दैट स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और इंदरलोक, दैट इज नियर बाय, वहां पे आपका कोई एक एटीएम खुला है उसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, तो वो हो जाएगा आपका ऑफसाइट एटीएम्स। तो अब आरबीआई ने ये गाइडलाइंस क्यों इशू किए हैं? तो ये बताया गया था उस डायरेक्शंस में दैट देयर वाज अ रीसेंट अमेंडमेंट दैट वाज मेड टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 as applicable to the cooperative societies. So, Banking Regulation Act को time to time amend किया जाता है because there are certain guidelines that are laid down for the cooperative societies. इसलिए कि as amended और as applicable to the cooperative societies के अंदर कुछ amendments किए गए हैं, जिसके अंदर अगर district central banks wants to open up certain new businesses or install certain ATMs, then they will have to take prior approval of RBI. अब इस direction को, इस news को, इस rule को effect देने के लिए RBI ने ये detail guidelines issue किए हैं, जहाँ पे उन्होंने eligibility criteria बताई है कि क्या क्या criteria है। ऐसे तो कोई भी district central bank होगा वो जाके अपना एक और branch increase कर देगा, but the entire idea is to have some प्रॉफिटेबल ब्रांचेस या फिर वेल फंक्शनिंग ब्रांचेस। ऐसा नहीं कि आपने बस ब्रांच बना दिया, वो लॉस सफर कर रहा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो रहा उन ब्रांचेस में। इसलिए आरबीआई ने कहा है कि मैं कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करूंगा, अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, जैसे आपका एनपीए कितना है अब तक की डेट में, आप प्रॉफिटेबल थे या नहीं थे, आपके पास बफर में कैपिटल कितना है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी तो नहीं लगी, तो ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई ने इशू किए हैं डिटेल में इस गाइडलाइन के अंदर। अगर जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, अगर वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, देन दे विल बी एलिजिबल टू ओपन अप विथ न्यू बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है डिटेल में। सो फर्स्ट गाइडलाइंस टॉक अबाउट कि जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दे नीड टू बी लाइसेंस। तो लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 years ऑफ ऑपरेशंस। ऐसा नहीं कि आपने पिछले साल ही एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनाया और आप आज को चल गए आगे ब्रांचेस को एक्सपैंड करने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस या फिर 3 years ऑफ ऑपरेशंस होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। सेकेंड टॉक्स अबाउट योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो आपको पता है इन जनरल, और ये आपको याद होना चाहिए कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं,
उनका मिनिमम जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है दैट इज 9%, उनको 9% मेंटेन करना ही पड़ता है। तो यही सेम रूल एप्लीकेबल किया है आरबीआई ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कि आपका जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो, आपको कितना कैपिटल बफर में रखना है इन कंपैरिजन टू योर रिस्क एसेट्स दैट यू आर हैविंग, ठीक है, तो वो आपका मिनिमम 9% होना चाहिए। इससे कम हुआ तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे ब्रांच को एक्सटेंड करने में। उसके बाद आ जाता है मेंटेनिंग द सीआरआर एंड द एसएलआर रेशियो। अब ये सीआरआर एसएलआर आपको पता है, इनको हम रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? सो दीज आर सर्टेन परसेंटेजेस ऑफ द डिपॉजिट्स दैट यू आर रिसीविंग। अगर बैंक कुछ डिपॉजिट्स रिसीव करता है, अगर 100 रुपए रिसीव कर रहा है तो उसका कुछ परसेंटेज, सपोज करो 18% एसएलआर का ले लो, 4% सीआरआर का ले लो। अब ये रेट आरबीआई डिसाइड करता है और अपने होम पेज के जो आरबीआई की वेबसाइट है वहां पे ये रेट्स मेंशन होते हैं, तो ये आपको रेगुलरली चेक भी करना है। तो ये वो परसेंटेज है जो बैंक्स को या तो खुद के पास रखना पड़ता है इन केस ऑफ एसएलआर, एंड इन केस ऑफ सीआरआर आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। व्हाई आर वी डूइंग दिस रिजर्व रिक्वायरमेंट्स? सो दैट अगर सपोज कस्टमर्स ने पैसे डिपॉजिट करते गए इन केस कस्टमर को पैसे की जरूरत हुई और वो बैंक पे आ गया, एक बंदा है, दो बंदा है, दिक्कत नहीं होगी। अगर बहुत सारे लोग आ जाए, एटलीस्ट यू शुड हैव सर्टेन रिजर्व विद यू सो दैट आप उनको पैसे दे सको और बैंक रन जैसी सिचुएशन ना आए, ठीक है। तो बैंक रन से बचने के लिए या फिर लोगों का भरोसा रहे बैंक पे, उसके लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट्स रखे जाते हैं। तो ये कहा गया है कि पिछले साल आपको कोई, आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो इन मेंटेनिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। उसके अलावा इट टॉक्स अबाउट नेट एनपीए। तो एक ग्रॉस एनपीए होता है, नेट एनपीए होता है, जितना भी नेट है माइनसिंग एवरी प्रोविजंस एंड एवरी अदर थिंग्स, जितना भी नेट आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जितने भी बैड लोन्स है, वो आपका 5% से कम होना चाहिए। मैक्सिमम 5% हो सकता है, उससे कम होना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा है तो फिर आप और ब्रांचेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने होम ब्रांच में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एलिजिबिलिटी, अदर क्राइटेरियाज। उसके बाद बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो उन्होंने ये बताया है आरबीआई ने दैट दीज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स नीड्स टू मेंटेन और शुड हैव नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स। तो 2 सालों से उनके पास प्रॉफिट होनी ही चाहिए, लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उनके उनके ऊपर कोई मॉनेटरी पेनल्टी इशूड नहीं होने चाहिए आरबीआई के द्वारा। आपने बहुत सारे न्यूज पढ़े होंगे, इवन हम स्पॉटलाइट में भी कवर करते हैं, फाइनेंस करंट अफेयर्स के डॉक्यूमेंट में भी कवर करते हैं, दैट आरबीआई इम्पोजेस सर्टन मॉनेटरी पेनल्टी इन केस द बैंक्स डू नॉट फॉलो सर्टन डायरेक्शन, सर्टन गाइडलाइंस दैट आर इशूड बाय आरबीआई। अगर आरबीआई के डायरेक्शंस को आप फॉलो नहीं करते तो बैंक्स आरबीआई हैवी पेनल्टीज इशू करती हैं इन बैंक्स पे। तो ये कहा गया है जो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स है उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बहुत ही गुड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दे शुड हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और कोई भी मॉनेटरी पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आ जाता है कि आरबीआई कई बार क्या करता है, कुछ बैंक्स को, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हो या अदर बैंक्स को, कुछ डायरेक्शंस के अंदर उनको प्लेस कर देता है कि ये डायरेक्शंस है, आपको इनको फॉलो करना है, इन केस इफ यू डू नॉट डू नन पेनल्टीज विल बी इश्यूड ऑन यू, या आपके ऊपर एक चेक रखता है आरबीआई। तो ये कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक है दे शुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर एनी ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्शंस दैट आर इशूड बाय आरबीआई ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टू ईयर्स। इन सम अगर हम उसको एक इन टोटैलिटी देखें तो इसका ये मतलब होता है दैट दीज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स नीड टू बी ऑफ साउंड परफॉर्मेंस, प्रॉफिट होनी चाहिए लास्ट 2 इयर्स में, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करना चाहिए, कोई मॉनेटरी पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, आरबीआई के किसी भी डायरेक्शंस के अंदर वो प्लेस नहीं होने चाहिए। उसके अलावा उनको रिजर्व रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करना है, उनको एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस करने हैं, एनपीए उनके 5% से कम होना चाहिए, एंड लास्टली उनका जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो मिनिमम 9% होना चाहिए। तो दीज आर दी जनरल क्राइटेरियाज और ये आपको याद रखना है। अब हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हमने तो बात कर ली
कि ये क्राइटेरिया है ना, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते भी क्या हैं, डीसीसीबी कर रहे हैं मतलब क्या है। तो आपको पता होगा, हमने एक लेक्चर में कवर भी किया था कि देयर इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, सो दीज आर दोज बैंक्स दैट फंक्शन ऑन द क्राइटेरिया ऑफ कोऑपरेटिवनेस, कि म्यूचुअल कंसेंसस होता है उनके बीच में और उस बेसिस पे ये लेंडिंग डिपॉजिट का काम करते हैं। दीज आर नोन एज कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इसमें बाइफर्केशन है बिटवीन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, आरसीबीज आ जाएंगी आपकी, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने डिटेल में कवर किया है अपने आरबीआई 247 वाले वीडियो सीरीज में, उसको आप वहां से कवर कर सकते हो। अब रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में यहाँ पे आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म और फिर आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए है, अगर ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इफ दे आर लेंडिंग फॉर सम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फाइव इयर्स तक मानो, शॉर्टर एंड मीडियम टर्म पीरियड के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, लेंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दे आर नोन एज शॉर्ट टर्म, और फिर आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स। अब डीसीसीबी कहाँ आता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये जो शॉर्ट टर्म है, दिस शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स में तीन चीजें आती हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब जो फर्स्ट है, द फर्स्ट टॉक्स अबाउट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएस आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड फाइनली वी हैव द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, देन वी हैव द हाई कोर्ट, एंड देन वी हैव द सुप्रीम कोर्ट। जैसे जुडिशरी में होता है, वैसे ही यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स में भी होता है। तो जो हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, दे आर एट द एपेक्स लेवल, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही ये एपेक्स लेवल पे होता है। देन वी हैव द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड लास्टली वी हैव द प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ दीज प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज देयर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और हर स्टेट में एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स है, ये बेसिकली क्या करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से पैसे लेते हैं, इट टेक लोन्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लोन्स टू दीज प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज के लोगों को या फिर बाकी लेंडर्स को। अब जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, इसमें भी दो तरीके के हैं, एक तो आपका प्योर कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव यूनियन। अब ये जो यूनियन होता है, दे बेसिकली लेंड एंड डिपॉजिट अमोंग देमसेल्व्स। तो इनकी जो लेंडिंग और डिपॉजिट होता है, इट हैपेंस बिटवीन द कोऑपरेटिव मेंबर्स ओनली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में ही होती है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो भी लेंडिंग डिपॉजिट का काम होता है, वो यूनियन के अंदर होता है। बट इन द केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो यहाँ पे यूनियन मेंबर्स के बीच में होती है, सेकेंडली इंडिविजुअल को भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। हम आप जो इस कोऑपरेटिव यूनियन के पार्ट नहीं भी हैं, स्टिल वी कैन गेट लोन फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ही पार्ट है, और इनके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू किए हैं। पिछली बार आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इशू किया था। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में लोन्स प्रोवाइड करता है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है, बिकॉज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंकिंग का चैप्टर है या टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ देयर रेलेवेंस। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ये इन द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। देयरफॉर दिस कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इवन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। अब हमने बात कर ली थी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन केस इफ दे वॉन्ट टू ओपन अप एनी न्यू ब्रांचेस और टू सेट अप एनी ATM मशीन्स, देन दे विल बी रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। ठीक है,
अब ये जो प्रायर अप्रूवल आरबीआई का लेना होता है, इट इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना पड़ेगा हमें. एंड व्हाट डस AACA स्टैंड्स फॉर? अब आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में ASBA का मीनिंग पूछा गया था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. तो ऐसे ही फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, डेट टू फॉर 2 मार्क्स. तो AACS का क्या फुल फॉर्म होता है? एज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था 1949 में, वो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को कवर कर रहा था. कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं था आरबीआई के पास, इसलिए इस BR एक्ट को अमेंड किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड करने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया, जिसको बोला जाता है BR एक्ट 1949 एज एप्लीकेबल टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है. अब व्हाट इज द प्रोसेस? तो सबसे पहले इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स को ये देखना है, ये इंश्योर करना है दैट व्हाटएवर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज बीन मेंशनड डाउन नीड टू बी फॉलोड बाय दीज कोऑपरेटिव बैंक्स. और उसके बाद दे नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो बैंकिंग रेगुलेशन रूल्स में मेंशन है. एंड देन दे विल हैव टू सबमिट दिस टू द रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई फॉर गेटिंग द प्रायर अप्रूवल. तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि आपने फॉलो किया या नहीं किया. उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन सबमिट करने हैं. ये सबमिट करोगे आप रीजनल ऑफिस आरबीआई के, एंड आफ्टर दैट ओनली यू विल बी ग्रांटेड विद द प्रायर अप्रूवल. ये हो गया हमारा एस्टेब्लिशमेंट और एक्सटेंडिंग ऑफ एनी ब्रांचेस. उसके बाद आ जाता है इंस्टॉलेशन ऑफ ATMs. तो ATMs के केस में ये बहुत ही अच्छी चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रायर अप्रूवल आरबीआई की रिक्वायर्ड नहीं है. सो हेयर क्वेश्चंस कैन बी ट्विक्ड बाय आरबीआई. तो ये याद रखना, इंस्टॉलेशन ऑफ ATMs के केस में प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंडली, अगर वो इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे ऑन साइट हो ऑफ साइट हो, दे विल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट बैंक. तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक अगर कोई ऑफ साइट ATM एस्टेब्लिश करता है, देन ड्यूली दे शुड हैव टेकन ड्यू अप्रूवल फ्रॉम देयर BOD, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वेरी शॉर्ट न्यूज. बस आपको यहाँ पे नाम याद रखना है एंड द रीजन फॉर द कैंसिलेशन, क्यों कैंसिल किया गया. तो रिसेंटली RBI ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक, जो एक कोऑपरेटिव बैंक है पुणे की, उनकी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था, ये कहते हुए दैट दे डू नॉट हैव द अर्निंग कैपेसिटी और दे डू नॉट हैव द कैपिटल. बफर कैपिटल तो छोड़ो, हम बात करते हैं ना दैट बैंक शुड हैव एडिक्वेट कैपिटल, उसको तो छोड़ो, दे डू नॉट हैव कैपिटल टू सस्टेन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. एंड सिंस द लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड, देयरफॉर दिस रूपी कोऑपरेटिव बैंक will be seized to carry out any of the banking business with effect from September 22. अब September 22 तक का इनको इसलिए time दिया गया है तो जो भी liquidation के process है उसको खत्म कर दिया जा सके, और जो भी depositors हैं जिनके पैसे deposits थे उनको पैसे, उनके पैसे वापस कर दिए जा सके, ठीक है. तो reasons देख लेते हैं cancellation की क्या क्या है. सबसे पहले चीज, इनके पास capital और earning prospects नहीं था, ठीक है, एज मेंशन अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22. अब ये सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीजंस जानने हैं हमको. सेकेंडली, उन्होंने जो बैंकिंग रेगुलेशन का सेक्शन 22 है, दे फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 22. अब सेक्शन 22 क्या बात करता है? सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट द ऑपरेशन एज अ बैंकिंग यूनिट. तो व्हाट आर द क्राइटेरिया लेड डाउन? तो जो भी क्राइटेरिया लेड डाउन थे जिसके अंदर आपको ऑपरेट करना था एज अ बैंक, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है वो फेल कर गया इन प्रोविजंस को फॉलो करने में. उसके बाद ये आता है कि दे वर अनेबल टू पे देयर डिपॉजिटर्स. तो जो भी जितने डिपॉजिटर्स थे, तो देयर मस्ट बी सम बैंक रन लाइक सिचुएशन, प्लस दे डू नॉट हैव द एडिक्वेट कैपिटल और एडिक्वेट मनी टू पे बैक देयर डिपॉजिटर्स, इसलिए इनकी लाइसेंस को RBI ने कैंसिल कर दिया. एंड फोर्थली, ये बिलीव किया गया दैट इन द केस इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर हमने इनको, इनके लाइसेंस को कैंसिल नहीं किया, देन दिस विल एडवर्सली अफेक्ट द पब्लिक, क्योंकि उनके पैसे स्टेक पे हैं, राइट, और पब्लिक की इंटरेस्ट में इनकी कैंसिलेशन की गई है इनके लाइसेंस की. तो रीजंस बड़े सिंपल से हैं.
अब देखो, अब ये reasons तो हो गए, अब क्या होगा? What about the depositors? तो आपको पता होगा under the deposit insurance and credit guarantee corporation, इसको हम बोलते हैं DICGC. तो under the DIGC rules, अगर depositors के पैसे हैं और वो bank liquidate हो जाता है या बंद हो जाता है by whatever reason, then under this act, under this feature of RBI, आपको a maximum of rupees 5 lakh तक, अगर आपके deposits 5 lakh तक आपके deposits आपको वापस कर दिए जाते हैं. So this is a way of providing relief to the customers. तो जो भी depositors हैं, अब आप deposit suppose करो, कोई bank, नया bank आया, आपने पैसे deposit करे और एक दो साल में वो bank उसका दिवालिया निकल गया, ठीक है, insolvent हो गया, तो आपके पैसों का क्या? What was your loss? It will be your loss, right? आपकी गलती क्या थी कि आपके पैसे चले गए? In order to provide protection to these depositors, to these customers, central banks across the globe, ऐसा नहीं कि बस इंडिया में ही मिलता है, US में भी दिया जाता है, उनको कुछ पैसों का benefit दिया जाता है कि 5 lakh तक, पहले ये 2 lakh था इंडिया के केस में, अब 5 lakh तक जितने भी आपके deposit से up to rupees 5 lakhs आपको वापस कर दिए जाएंगे, अगर bank खत्म भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है तो, ठीक है? तो ये DICGC की प्रोविजन है. सपोज करो आपने रुपी कोऑपरेटिव बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए हुए थे, आपको बस 5 लाख रुपए मिलेंगे. अगर आपने 3 लाख रुपए जमा किए थे तो आपको 3 लाख ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको 5 लाख दे देंगे. तो मैक्सिमम ऑफ 5 lakhs विल बी गिवन टू यू. सो दिस वॉज वॉट ऑल आई इंटेंडेड टू डिस्कस विद यू फॉर टूडे. आगे के क्लासेस में और देखेंगे और जानेंगे क्या क्या न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं और उसको डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. Now there are certain questions for you based on whatever we have discussed. Iske answers aapko comment section mein batane hain. So the first question talks about the criteria that RBI has laid down for the district central cooperative banks. Aapko identify karne hain ki inme se kaun se correct criteria hai aur kaun se galat hai. So please iske answer aap comment section mein likho. Bahut hi kam bachche answers likh rahe hain. Just 3 to 4 students are writing down the answer. It is for your benefit. आपको कल को जाके बहुत हेल्प करेगी और आज से ही इफ यू स्टार्ट स्टडिंग दिस 20-25 मिनट्स वीडियो, इट इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट रेलेवेंस ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आल्सो टॉक्स अबाउट सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस, ठीक है? तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं. एंड थर्डली, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, व्हाट इज द मैक्सिमम सम दैट इज अश्योर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ बैंक, तो इसका आपको बताना. अगर यहाँ पे सपोज क्वेश्चन में होता इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक, अगर कोऑपरेटिव भी आ जाता, इन दैट केस आल्सो इट इज द सेम अमाउंट, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, द अमाउंट ऑफ रिलीफ दैट इज प्रोवाइडेड अंडर DICGC इज द सेम एंड यू नीड टू आंसर इट डाउन कि कितना है वो अमाउंट, ठीक है? So this was all for today. I hope you liked the session. Answers have already been provided to you. The PDF of this session will be uploaded on the Telegram group. Agar aapne Telegram group ko join nahi kiya hai, then you can do so. All free PDFs are uploaded there. Aur jitne bhi informations hain, wo sare usi PDF, usi Telegram group pe bataye jaate hain. So this was all for today. I hope you like the session. In case of any doubt, you can always write to us. Discussion forum pe likh sakte ho, YouTube ke comments mein bhi likh sakte ho. We'll try answering all of them. Till then, take care and bye-bye.